हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़ और इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बेबी यिंग लियांग। अब आप कहोगे मैम ये कैसा नाम है। यस, ये एक आप बोल सकते हो डायनासोर का एम्ब्रॉय जो मिला है सदर्न चाइना के अंदर, गंजोउ नाम की जगह है सदर्न चाइना में, वहां पर 66 मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर एम्ब्रॉय वॉज डिस्कवर्ड। ये उसकी फोटो है, आप देख सकते हो। इसके रिगार्डिंग काफी कुछ हमें जानने को मिलेगा, पूरा इन डेप्थ तो बेसिकली कहीं से ऐसे सवाल नहीं आएगा, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लैड से है, कौन सी प्रजाति इसकी रह चुकी है, और डायनासोर पहले पाए जाते थे, अब ये कहाँ पर कैसे मिला। एटलीस्ट इतना तो ध्यान ही होना चाहिए कि चाइना में मिला, और ये नाम किसको दिया गया है, ये एक और डायनासोर एम्ब्रॉय को नाम दिया गया है। इतना एटलीस्ट मतलब बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट। कंटेंट्स में इसके हाइलाइट्स देखेंगे ऑब्वियसली, फिर ओविरा पिटोरोसॉर्स, ये इनके बारे में जो इनकी एक स्पीशी बोल सकते हो, एक जाति बोल सकते हो जो है डायनासोर्स की, वो बेबी यिंगलियांग जो मिले उनके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ थैरापोडा क्लैड, थैरापोडा डायनासोर उस टाइम के जो हैं तो उनके बारे में भी थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे जिस हिसाब से हम अपने कंप्लीट टॉपिक को समझ पाए, राइट। सो यहाँ पर हाईलाइट मैं यही बताती हूँ, ये एम्ब्रॉय बिलीव किया जा रहा है कि टूथलेस थेरापोड डायनासोर, और या फिर आप इसको ओविराप्टोरसोर ये भी बोल सकते हो, इसको नाम दे दिया गया है बेबी यिंगलियांग, इट हैज बीन नेम्ड। द डिस्कवरी ऑफ एम्ब्रॉय हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड रिसर्चर्स अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली अगर आपको एक ऐसा एम्ब्रॉय आप डिस्कवर करते हो, आपको मिलता है, तो आप एक लिंक क्रिएट करने की कोशिश करोगे, आपको एक समझ आएगी, आप रिसर्च करोगे उस पर। तो यहाँ पर जिस तरीके से मिला है ना, तो ये मॉडर्न आज के जो बर्ड्स हैं और जो डायनासोर्स हैं उनके बीच में एक लिंक बताता है, ठीक है। जिस हिसाब से वो कर्ल्ड पोजीशन में है एम्ब्रॉय, तो उसको बेसिकली आप बोल सकते हो ये दिस इज कॉल्ड एज टकिंग, और ये बिहेवियर बर्ड्स में बहुत देखने को मिलता है बिफोर दे हैच, ठीक है। तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट टकिंग बिहेवियर इन द मॉडर्न बर्ड्स वो डायनासोर से भी ओरिजिनेट हो सकता है, ये लिंक हो सकता है ना, डेफिनेटली ये इंडिकेट भी कर सकता है, ये जो हमारे डायनासोर एंसेस्टर्स हैं उनका जो टकिंग बिहेवियर है और आज के जो मॉडर्न बर्ड्स का टकिंग बिहेवियर है, क्या ये वहीं से तो ओरिजिनेट नहीं हुआ, क्या ये वहीं से इवॉल्व हुआ हो, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिन पे हम और रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं ओविरा पेटोरोसॉर्स, तो इसका मतलब है एग थीफ लीजर्ड्स। ऑब्वियसली ये डायनासोर्स हैं, जो वैसे डायनासोर जो थोड़े फीचर्ड मतलब फेदर्ड होते हैं, थोड़े हल्के फेदर होते हैं उनके ऊपर, जो प्रेजेंट डे एशिया और नॉर्थ अमेरिका में उस टाइम पे जो क्रिटेशियस पीरियड है आज से लगभग लगा लो 100 मिलियन टू 66 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। ये अपने आप में डिस्टिंक्ट इसलिए हैं क्योंकि ये बीक्ड हैं, जैसे पैरट बीक्ड होता है ना, तो ये डायनासोर में बीक है, शॉर्ट है, और पैरट की तरह ही इनका स्कल है। अगर बेबी यिंगलियांग की बात करूं तो 27 सेंटीमीटर लॉन्ग इनका मेजर करें तो ये है फ्रॉम हेड टू टेल, और ये 6.7 इंच लॉन्ग एग एट यिंगलियांग स्टोन नेचर हिस्ट्री म्यूजियम इन चाइना, वहां पर इट इज रेस्टिंग इनसाइड। एग वॉज फर्स्ट अनकवर्ड इन 2000 बट पुट इन टू स्टोरेज, फिर उसे फॉर 10 ईयर्स इट वॉज पुट इन टू स्टोरेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां पर हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस क्लैड के बारे में भी जान लेते हैं, थेरापोडा क्लैड। ये बेसिकली डायनासोर का क्लैड है पूरा, जिसमें हॉलो बोन्स होती हैं और 3 टोइड लिम्स हैं इनके, राइट। तो ये एक क्लास ऑफ ग्रुप्स, मतलब डायनासोर्स का जो एक क्लास है ऑफ अ ग्रुप ऑफ सुरेशियन डायनासोर्स, उनको ये बिलोंग करते हैं, दे आर यूजली दैट क्लास, और ये कार्निवोरस होते थे। लेकिन हाउ एवर कुछ थेरापोड ग्रुप्स वो धीरे धीरे ओमनिवोरस जो हैं इवॉल्व होने लगे, फिर हर्बीवोरस, फिर पीसीवोरस, इंसेक्टिवोरस, और दे फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग विच एज, ये ध्यान रख लेना, कार्नियन एज इन लेट ट्रियासिक पीरियड, मतलब आज से लगभग लगा लो 231.4 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें लार्ज टेरेस्ट्रियल कार्निवोरस भी आ जाते हैं, और फ्रॉम अर्ली जुरैसिक टू क्रिटेशियस पीरियड, बहुत पुराने हैं, काफ़ी पहले, ऑब्वियसली डायनासोर आज के टाइम पे नहीं है, तो जब आपको ऐसा कुछ एम्ब्रॉय मिलेगा बेबी यिंगलियांग, तो एक 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 हलचल होती है ना वो, और साथ में रिसर्च और कुछ इंडिकेशंस अगर मिल जाती हैं तो वो सब चीज़ें समझने में आ जाती हैं, राइट, न्यूज़ में आ जाती है, फिर ऑब्वियसली उसके साथ एसोसिएटेड हर एक इन्फॉर्मेशन हमें कवर करनी चाहिए। इसी के साथ इस सेशन के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आ गया होगा। टिल देन थैंक यू एवरीवन।